हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल टेक्निकल ब्रांच में। दोस्तों, आप बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स वीडियो देख रहे होंगे जो इस समय बहुत ही ट्रेंडिंग पर चल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, यह वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग पर चल रहा है कि एक झंडा है और उस झंडे में लोग अपनी फ़ोटो लगा दे रहे हैं और इसमें कोई म्यूजिक ऐड कर शॉर्ट वीडियो में डाल रहे हैं। और यह शॉर्ट वीडियो आप देखते होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है कि यदि आप इसका शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी वायरल हो जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये फ्लेक्स शॉर्ट वीडियो के नाम से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस तरीके से झंडे वाली फोटो वीडियो कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान स्टेप है इस तरीके का। यदि आप भी झंडे पर फोटो लगाना चाहते हैं और एक वीडियो बनाकर शॉर्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, यदि आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा के ऑल के ऊपर में क्लिक कर दीजिए। आइए फ्रेंड, इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपने फ़ोन में यह सारा काम करना है। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, चुपचाप आपको अपने गूगल में जाना है, गूगल को ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ सर्च का ऑप्शन दिखेगा, सर्च पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर लिखना है फ्लैग वेवर, FLAGWAVER लिखकर आपको सर्च कर देना है। अब जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक झंडा का आइकन आ जाएगा और यहाँ पर फ्लैग वेवर लिखा हुआ आएगा, तो इस पर आपको टैप कर देना है। अब इस पर जैसे ही टैप करोगे तो आपको यहाँ पर एक झंडा का आइकन दिख जाएगा। अब इस पर रह गई बात कि इसके पर फोटो कैसे लगाना है, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, इस बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं। जी फ्रेंड, ये जो बादल बादल सा दिख रहा है, इस बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोटो लगाने के लिए बताऊंगा कि आखिर यहाँ पे हम फोटो कैसे लगाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, नीचे यहाँ पर फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इस फाइल पर टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे करेंगे तो फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ से एक फ़ोटो ले लेना है, जो भी फ़ोटो आपको लगाना है। तो मैं इस फ़ोटो को लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, डन का ऑप्शन है, डन कर देना है। अब जैसे ही डन करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़ोटो लग गया, लेकिन झंडा देखिए अपने हिसाब से कभी इधर तो कभी इधर आ रहा है। इसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। पहले बैकग्राउंड चेंज करना बताता हूँ। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर थ्री लाइन है, इस थ्री लाइन पर क्लिक करना है, नीचे की ओर जाना है, यहाँ पे क्लासिक लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लासिक और ब्लू स्काई है और यहाँ पे नाइट स्काई विथ क्लाउड्स है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, तो मैं ब्लू स्काई ज़्यादा अच्छा लगता है, तो देखिए ब्लू स्काई पे मैंने क्लिक कर दिया। अब रह गया कि झंडे का पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, थ्री डॉट पर यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक बटन है, देख सकते हैं विंड कंट्रोल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर दिए तो देख सकते हैं कि झंडा सिर्फ इधर ही इस तरीके से हिलता रहेगा। अब यहाँ पे इसके पोजीशन है, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये झंडा साइड में, सिर्फ साइड में लहरता रहेगा। ई पे क्लिक करेंगे तो देखिए इधर की ओर ये झंडा लहरता रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे कम ज़्यादा, यानी कि अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो देखिए झंडा कुछ स्पीड में होने लगा, और यहाँ पे यदि हम इसको कम कर देते हैं, बिल्कुल ही कम कर देते हैं, तो देखिए झंडा कितना आराम आराम से झंडा खुल रहा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा आपका मन हो उस तरीके से आप कर लीजिएगा। करने के बाद में अब आपका मन है कि आपका तो फोटो लग गया, झंडा भी तैयार हो गया, अब इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे, सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यही है। यदि आप इसे को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं, लेकिन शेयर करेंगे तो आपको यह जो वेबसाइट है वही शेयर होगा, लेकिन आप इसको अपने झंडे को के साथ फ़ोटो को डाउनलोड कैसे करेंगे, तो डाउनलोड करने का यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन का प्रयोग करना पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर स्क्रीन को रिकॉर्ड करना होगा, उसके बाद में आप इसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में आप इसकी शॉर्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब फेसबुक पर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डर से ही या स्क्रीन रिकॉर्ड हो पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।